कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन ज्यादा पद आने और 7 साल से रुकी हुई SI जैसी भर्ती आने की उम्मीद कर रहे कैंडिडेट्स फिर से परेशान हैं। कैलेंडर जारी तो हो गया है, लेकिन इसके साथ सिलेबस जारी नहीं हुआ है। ऐसे में कैंडिडेट्स का कहना है कि सिलेबस कब आएगा और तैयारी कब करेंगे। सिलेबस जो पुराना है उससे तैयारी की तो पटवारी जैसा ना हो जाए, क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा पहले 2017 में हुई और फिर 2023 में। कैंडिडेट्स 2017 के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते रहे और 2023 में पूरा सिलेबस ही बदल डाला। अब इन सभी सवालों के जवाब के लिए द सूत्र ने सीधे ESB के डायरेक्टर IAS साकेत मालवीय से सीधी बात की है। चलिए आपको सुनाते हैं। इस बार परीक्षा कैलेंडर के साथ पद नहीं दिए हैं। ESB परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, विभागों से जो पद आएंगे उसे ही विज्ञापित किया जाता है। अभी विभागों से विस्तृत सूचना नहीं आई है, यहाँ आते ही इसकी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। इस बार पद कम होने की बातें कही जा रही हैं। जैसा मैंने कहा है, विभागों से जो पद आते हैं वही विज्ञापित किए जाते हैं। विभाग जो भी रिक्त पदों की जानकारी देंगे उसकी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, वही पद भर्ती विज्ञापन में जारी होंगे। लेकिन 7 सालों से SI सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं आई, क्या ये भर्ती ESB करेगा? अभी तक विभाग से ESB के पास इसकी जानकारी नहीं आई है। बेहतर होगा कि गृह विभाग से ही इस बारे में आप जानकारी दें, हमारे पास आएगी तो हम सूचना जारी कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सिलेबस नहीं आया, युवा चिंता में है, उन्हें फिर तैयारी के लिए समय कब मिलेगा? सिलेबस तय करने में संबंधित विभाग का भी हिस्सा होता है, हम लगातार विभागों के साथ संपर्क में हैं और इस पर काम हो रहा है। वैसे भी पूरा सिलेबस या बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बदलता है, युवा तैयारी करे, सिलेबस पर हम जल्द ही जानकारी अपलोड करेंगे और युवाओं को समय मिलेगा। नीट के बाद पेपर की सुरक्षा और परीक्षा सिस्टम मजबूत करना चुनौती है। अब ESB में पेन पेपर वाली परीक्षा नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है। कभी हमारे यहाँ परीक्षा को लेकर सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन यह सतत प्रक्रिया है। चेयरमैन इस संबंध में बहुत सचेत है, जिस एजेंसी को परीक्षा कराने का टेंडर मिलेगा इससे भी हम काफी सचेत हैं। जानकारों से सुझाव भी ले रहे हैं ताकि परीक्षा में शुद्धता 100% रहे और किसी तरह का समझौता नहीं करना पड़े। तो जैसा कि द सूत्र को ESB के डायरेक्टर ने बताया, फिलहाल तो SI भर्ती का कोई प्लान नहीं है, और रही बात सिलेबस और पदों की तो ये परीक्षा का नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इंदौर से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।